गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व. कंस्ट्रक्ट एन ओसी कर्व फॉर ए सिंगल सैम्पलिंग प्लान वेयर द लॉट साइज इज 2000, द सैम्पल साइज इज 50 एंड द एक्सेप्टर नंबर इज 2. सो हियर इट इज गिवन कैपिटल एन इक्वल टू 2000, एन इक्वल टू 50 एंड सी इक्वल टू 2. इससे पहले लेक्चर के अंदर अभी तक हमने जो डिस्कस करा था उसमें एक फॉर्मूला डिस्कस करा था जिसमें हमने निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस अप टू द एक्सेप्टेंस नंबर. सो अब क्या होगा इसके अंदर, एक्सेप्टेंस नंबर हमें 2 गिवन है तो इसका मतलब क्या है, हम प्रोबेबिलिटी 0 को भी काउंट करेंगे, 1 की भी काउंट करेंगे और 2 की भी काउंट करेंगे. अब इसमें के अंदर क्या करना है, हमें एक ओसी कर्व ड्रॉ करना है. और हमें पता है जो ओसी कर्व होता है हमारा कैसे होता है, वो होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस और यहाँ पर होता है प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स जिसको हम डिनोट करते हैं पी से. और ऐसे एक हमारा क्या बनता है, एक चार्ट बनता है. तो इसके अंदर ये हमें 3 वैल्यू गिवन है तो यही मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 और फ्यूअर नॉन कन्फर्मिंग आइटम्स इन दी सैम्पल. अब इसके अंदर क्या है, अब हमें इसके अंदर जो प्रोपोर्शन डिफेक्टिव्स है पी वो हमें गिवन नहीं है तो हम उसको क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे. अब बेसिकली इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक मेथड होता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, एक दूसरा होता है हमारा पॉइजंस डिस्ट्रीब्यूशन से. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली हम कब तक यूज़ करते हैं, जब तक हमारी एन की वैल्यू अप टू 10 या 20 तक होती है. उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं, जब ग्रेटर देन 20 होती है तो हम क्या करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, जो जो हमें एक क्या नाम है बाइनोमियल की तरह ही लगभग वो आंसर हमें प्रोवाइड करता है. और जो फॉर्मूला हमने कल डिस्कस करा था बेसिकली वो हमारा कौन सा था, बाइनोमियल के लिए था. ठीक है, जब एन की वैल्यू 20 से ऊपर चली जाती है तो हम पॉइजन में आ जाते हैं. तो अब इसके अंदर हमने क्या कर लिया, जो हमारा पी है इसके अंदर हमने एज्यूम कर लिया जो प्रोपोर्शन डिफेक्टिव है कितना है, 0.01. तो अब हमें क्या करना पड़ता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक मीन वैल्यू निकालनी पड़ती है, और जो कि मीन वैल्यू किसके इक्वल होती है, एन पी के इक्वल होती है. ठीक है, तो हमारा एन कितना है, 50, पी कितना है, ये हमने एक पर्टिकुलर इसके लिए मान लिया. तो कितना आ गया हमारी मीन वैल्यू, 0.5, और 0.5 के ऊपर जो इसकी एक्सेप्टेंस वैल्यू है कितनी है, 0.986. तो इसका मतलब क्या कि अगर हम 1000 सैंपल्स का करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे 986 सैंपल्स क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो 14 होंगे हम उनको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. तो अब ऐसे ही हमने क्या ले लिया, प्रोपोर्शन नॉन कन्फर्मिंग, जैसे पी ले लिया यहाँ से, जैसे जो जीरो से स्टार्ट होता है, फिर 0.05, 0.1 ऐसे करते करते ले लिया, फिर हमने मीन निकाल लिया, मतलब एन पी, ये हमारा क्या है पी, एन से हमने क्या कर दिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो आपको एक एनेक्शर के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस करके एक टेबल गिवन होगी किसके लिए, पॉइजंस डिस्ट्रीब्यूशन में. तो वहां पर आप जाएंगे मीन की वैल्यू कितनी देखेंगे, जैसे यहां पर मीन की वैल्यू 0.25 है और जो हमारा एक्सेप्टेंस नंबर है कितना है वो 2 के ऊपर जाके ये वैल्यू देखेंगे 0.25 की, 0.01 की. अब जैसे यहाँ पर ये क्या कर रहा है, प्रोपोर्शन डिफेक्टिव मीन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब कोई भी डिफेक्ट नहीं है. तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी एक्सेप्टेंस की कितनी होगी, 1 होगी, यहाँ से हम वो पता लगा सकते हैं. ऐसे हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को कर लेंगे, निकाल लेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ के अंदर क्या होगा, एक लाइन होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस की और एक होगी हमारी प्रोपोर्शन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग. और प्रोपोर्शन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग में हम यहाँ पर मीन नहीं लिखना है, सिर्फ हमें क्या लिखना है, जो हमारे पास उनकी वैल्यू थी ये, और जो इसके अकॉर्डिंग जो मीन की वैल्यू आई है वो हमने क्या कर दी, कट कर दी, और ये हमारी क्या आ गई, एक ग्राफ की शेप आ गई, जो कि बेसिकली क्या हमारा एक ओसी कर्व. तो ये हमारा जो मेथड था, ये मेथड कौन सा था हमारा, पॉइजन. अगर जब एन की वैल्यू 10 या 20 के आसपास होती है तो जनरली हम कौन सा यूज़ करते हैं, बाइनोमियल, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा जो हमारा को डाटा गिवन है, और ये आपका प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है. थैंक यू स्टूडेंट्स. तो हम इस टेबल्स में से जाके ऐसे वैल्यू देख सकते हैं, और न्यूमेरिकल को, ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, और इसको क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स. थैंक यू.